हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऑफिस में थोड़ा सा काम की, इसके बाद मुझे भूख लगाई तो मैं गई। एक भैया ठेला लगाते हैं ऑफिस के बैक साइड पे और ये बहुत अच्छी साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं, तो मैं खिचड़ी खाने के लिए बाहर आई थी और ऐसे थोड़ा सा ग्रीनरी देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कैप्चर कर लिया। शाम हुई तो मैं आज ऑटो से घर जा रही हूँ क्योंकि मैं मेरी जो बाइक है ना, स्कूटी है, वो बिगड़ी हुई है। वैसे भी मुझे ऑटो से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, बट इंदौर में बहुत कॉस्टली पड़ जाता है डेली ऑटो से आना जाना, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ ऑटो से। डेली मैं ऑटो से नहीं आती हूँ। इसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद ना मैं जा रही हूँ कुछ लेने के लिए। एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी कहीं भी नहीं जाना था, बट कल मेरे भाई का बर्थडे है तो मैं जा रही हूँ उसके लिए केक लेने, और उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आई टाइटन के शोरूम पे। मैंने उसके लिए, मैं सोच रही थी, उसके पास ना वॉच नहीं थी और वो बहुत टाइम से बोल रहा था कि वॉच लेना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही मौका अच्छा है तो उसको आज वॉच दिला दी जाए, लेकिन हमें रात में वॉच नहीं मिली। हम बहुत सारी जगह देखे और लेकिन हमें ये डाउट था कि अगर हम ले लेंगे तो पसंद आए नहीं आए। इसके बाद हमने वॉच को छोड़ दिया कि हम साथ में ही लेके आएंगे, तभी वो पसंद कर लेगा खुद से। फिर मैंने छोटा सा 12 बजे केक कट करवाने के लिए मैंने छोटा सा एकदम केक लिया, क्योंकि रात में हमको छोटा सा ही लेना था, इतना कोई खाता नहीं, ऑलरेडी हम लोगों का डिनर हो चुका था। तो मैंने एकदम छोटा सा केक लिया और भैया को बोला कि एकदम छोटा सा केक दे दीजिए जो सबसे छोटा हो। तो भैया ने बोला ये केक मैडम छोटा। तो फ्रेंड्स अभी मैं उसको सरप्राइज देने जा रही हूँ, चलिए। तो इधर सबका डिनर हो चुका है, ऑलरेडी सब सोने की तैयारी में है, बट भाई को तो नहीं पता कि मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज कुछ बड़ा नहीं था, बट हाँ मेरा मन किया कि मुझे 12 बजे आज कट करवाना है केक। तो बस मैं फ्रिज से फटाक से गई, फ्रिज से निकाली और ऑलरेडी ना मैं वीडियो बना रही थी तो एकदम टाइम हो गया, तो फटाफट जल्दी से खोला कि कहीं 12 बज के एग्जैक्ट मुझे एकदम ले जाना था, तो जल्दी से मैं ली और ना कुछ भी मिल नहीं रहा था। भैया ने कैंडल तो दिया था बट कैंडल भी मुझे नहीं कि मैं कहाँ रख दी हूँ छुपा के, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी और फटाक से एकदम ढूंढ ढूंढ के कि जल्दी से हो जाए, टाइम नहीं निकल जाए। तो बस उसी चक्कर में फटाफट से मैंने कैंडल वगैरह ढूंढा और फिर गैस से ही मैंने जला लिया कैंडल, कि जल्दी से बस जला के और कैंडल लगा के और बस उसको एकदम सरप्राइज कर देना है, क्योंकि उसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता है। और हाँ, कौन कौन ऐसे एक्साइटेड रहता है ना अपने भाई के, और स्पेशली जब आपका छोटा भाई हो उसके बर्थडे के लिए, मुझे लगता है कि सभी सिस्टर को उसके भाई का बर्थडे बहुत स्पेशल होता होगा, तो आई थिंक मेरे लिए भी यही है। तो दोस्तों यही था हम लोगों का सरप्राइज। पता नहीं था, पता रहा इसको बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ और चीजें लेने गए थे लेकिन मिल नहीं पाई तो नहीं ला पाई। The next day, व्हाइट वाली शर्ट पहन ले, व्हाइट ही नहीं थी। ये देखिए बर्थडे बॉय। और जो मेरी तरफ से गिफ्ट है वो ये है। तो मैंने ये गिफ्ट लिया है, फाइनली उसको पसंद आ गई है और अब मैं उसको बोल रही हूँ कि पहन ले भाई। रक्षाबंधन आज मैं इसके राखी बांध रही हूँ। इसमें पहनाते हैं ना, ये देखिए।
तो हम निकल पड़े हैं अपने होटल की तरफ जहाँ पे हम लोगों को जाना है। और इस बार ना हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम केक में ही कट करेंगे और हम बस बात करके आ गए होटल के। और हम लोग ना डिसाइड किए हैं कि हाँ केक नहीं कट करेंगे, एक अच्छा सा फुलफिलिंग सा डिनर करेंगे जो भी जिसका भी मन होगा। वैसे केक कट करो तो फालतू में वेस्ट हो जाता, वैसे भी हम लोग नाइट में केक एक बार कट कर दिया था, तो अच्छा सा डिनर किया बहुत ही अच्छी होटल में। एंड यही था आज का।